देखते रहिए बीएनपी न्यूज लाइव लेटेस्ट चैनल्स ऑफ ऑनलाइन मीडिया। नमस्कार, बीएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। यानी शाहरुख खान हर दिवाली अपने फैंस को विश करते हैं, उनको शुभकामना संदेश भी देते हैं। उनकी फिल्म भी प्रत्येक वर्ष दिवाली पर ही रिलीज होती हैं। हालांकि इस बार उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है और उन्हें इस दिवाली पत्नी गौरी और बेटे अबराम के साथ एक फोटो ट्वीट कर सभी साथियों को अपने फॉलोवर्स को त्यौहार की बधाई दी है और इस तस्वीर में तीनों के माथे पर तिलक लगावा। यानी इस पोस्ट की वायरल होते ही कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ने कमेंट्स कर उन्हें नकली मुसलमान तक कह दिया। यूजर्स ने इस रिएक्शन को देख एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी तुरंत शाहरुख के सपोर्ट में आई और उन्हें ट्वीट कर किया कि शाहरुख की दिवाली ग्रीटिंग से इस्लामवादियों में नाराजगी आई है, तिलक लगाने। इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खूबसूरत भारतीय रीति रिवाज को कारण खतरे में आए। भारत की सुंदरता गंगा जमनी तहजीब में है। यानी इसे पहले भी शाहरुख खान को गणेश पूजा के चलते ट्रोल किया गया था। उस समय भी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हेटर्स को जवाब देते हुए कहा, अल्पसंख्यकों के बीच भी कुछ बेवकूफ़ लोग हैं और हम राहत ले सकते हैं कि धर्म में अलग होते हुए भी बेवकूफ़ी में एकजुट हैं। यानी शाहरुख खान प्रत्येक दिवाली कुछ न कुछ अपनी ऐसी फोटो पोस्ट करते हैं जिसके माध्यम से अपने दर्शक उनको की तरफ आकर्षित होते हैं और उनके साथ जुड़े रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने ये अपने पत्नी गौरी और बेटे अबराम के साथ शाहरुख खान ने माथे पे तिलक लगी हुई फोटो वायरल की, जिसे कि काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए YouTube पर बीएनसी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी खबरें पल पल तक मिलती रहें। बीएनसी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।